जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे भगवान ब्रह्मा ने कैसे अपनी जो पुत्री थी सरस्वती उसका बलात्कार किया था। वो इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और रिडल्स इन हिंदुइज्म के जो अपेंडिक्स हैं उन अपेंडिक्स पे जाना पड़ेगा। और अपेंडिक्स नंबर 3 द रिडल ऑफ द त्रिमूर्ति, यहां पर द रिडल ऑफ द त्रिमूर्ति अपेंडिक्स 3 है रिडल्स इन हिंदुइज्म का। रिडल्स इन हिंदुइज्म बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक, उसके अपेंडिक्स 3 रिडल ऑफ द त्रिमूर्ति में जाना पड़ेगा और वहां पर हमको पूरा एक पैराग्राफ मिलेगा। द रिडल ऑफ द त्रिमूर्ति हमने खोल ली है अपेंडिक्स 3, इसके उस पैराग्राफ में जाएंगे जहां पर बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मा ने किस तरह से अपनी पुत्री सरस्वती का बलात्कार किया था। सो फ्रेंड्स, हम आगे हैं उस पैराग्राफ में जहां बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो हम शुरू करते हैं इसको। बाबा साहब कहते हैं द ब्राह्मिन्स कंप्लीटली इन्वर्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन शिवा एंड ब्रह्मा। ब्रह्मा वाज नो लॉन्गर द गॉड हु कुड गिव सल्वेशन। द गॉड हु कुड गिव सल्वेशन वाज शिवा एंड द रिड्यूस्ड ब्रह्मा टू द पोजीशन ऑफ अ कॉमन डेविटी वर्शिपिंग शिवा एंड लिंगा इन द होप ऑफ गेटिंग सल्वेशन। द रिड्यूस्ड हिम टू द पोजीशन ऑफ सर्वेंट ऑफ शिवा बाय मेकिंग हिम द चैरिटर ऑफ शिवा। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मिन्स हैं उन्होंने, मतलब पहले तो ब्रह्मा काफी ग्रेट था, महान माना जाता था, काफी बड़ा भगवान था, लेकिन बाद में जो ब्राह्मिन्स हैं उन्होंने ब्रह्मा को बिल्कुल ही निचले दर्जे का गॉड बना दिया, निचले दर्जे का भगवान बना दिया और शिव काफी ऊपर चले गए। और जो ब्रह्मा है उसको सिर्फ शिव का एक डेवोटी बना दिया, जो कि शिव को और उसके लिंग को, शिव और शिव के लिंग को उनको वर्शिप करता है ब्रह्मा सल्वेशन मुक्ति पाने के लिए, है ना। तो ब्रह्मा का कद काफी नीचे कम कर दिया ब्राह्मणों ने शिवा के कंपैरिजन में। और बाबा साहब जो ये कोट कर रहे हैं, द 5 महाभारत कोटेड मोस्ट संस्कृत टेक्स्ट, है ना, ये इस बुक से कोट कर रहे हैं बाबा साहब, वो अथॉरिटी दी इसकी। द रिड्यूस हिम टू द पोजिशन ऑफ सर्वेंट, एक नौकर बना दिया शिव का ब्रह्मा, एक शिव का नौकर बन गया। और चैरिटर ऑफ शिवा, शिव का चैरिटर, चैरिटर मतलब होता है सारथी, शिव का सारथी बन गया, मतलब एक तरह सर्वेंट बन गया, ब्रह्मा की उपाधि बिल्कुल कम कर दी गई। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर जिसके लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं द ब्राह्मिन्स डिडंट स्टॉप विद डिग्रेडिंग द ब्रह्मा, दे विलिफाइड हिम इन द वर्स्ट मैनर पॉसिबल, दे ब्रॉडकास्ट द स्टोरी ऑफ हिज हैविंग कमिटेड रेप। The broadcast the story of having is committed rape on his daughter सरस्वती। ठीक है, तो ब्राह्मण यहां तक रुके नहीं कि ब्राह्मणों ने कहते ब्रह्मा का कद बिल्कुल कम कर दिया, शिव से नीचे कर दिया, लेकिन ब्राह्मणों को यहां भी संतुष्टि नहीं मिली और वो आगे तक गए और ब्रह्मा को बिल्कुल ही खत्म कर देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने स्टोरी बनाई और वो स्टोरी ये है कि जो ब्रह्मा है वो अपनी पुत्री सरस्वती का बलात्कार करता है, जो कि भागवत पुराण में बताया गया है। द ब्रॉडकास्ट द स्टोरी ऑफ हिज हैविंग कमिटेड रेप, बलात्कार ऑन हिज ओन डॉटर सरस्वती, सरस्वती का बलात्कार किया ब्रह्मा ने, और इस स्टोरी को बताया गया है भागवत पुराण के अंदर। ठीक है, और इसकी अथॉरिटी बाबा साहब ने दिए 7 मोहि संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 4 पेज नंबर 47। ये मोहि संस्कृत टेक्स्ट, ये कोई मुहिर है, उनकी किताबें हैं संस्कृत के पूरे वॉल्यूम्स हैं इनके सारे संस्कृत के टेक्स्ट के, तो उसमें से बाबा साहब ने कोट किया है वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 47, वहां पर ऐसा चीज लिखी हुई है, तो इसको मुहिर को कोट किया बाबा साहब ने। तो यहां पर फिर स्टोरी का थोड़ा सा वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बाबा साहब। वो इस तरह से है कि वी हैव हर्ड ओ क्षत्रिया दैट स्वयंभू ब्रह्मा हैड अ पैशन फॉर वॉच हिज स्लेंडर एंड डॉटर एंचेंटिंग डॉटर। मतलब जो ब्रह्मा है वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी सरस्वती के लिए मतलब पैशन, मतलब फीलिंग्स, पैशन रखता है। पैशन ऑब्वियसली यहां पर सेक्सुअल पैशन की बात की जा रही है। हु हैड नो पैशन फॉर हिम, और बदले में जो उसकी बेटी सरस्वती है उसका कोई ऐसा कोई पैशन ब्रह्मा के लिए नहीं है। आगे लिखते हैं द मुनीज हिज सन्स हेडेड बाय मरीचि सीइंग देयर फादर बेंट अपॉन विकेडनेस एडमिनिस्ट हिम विद अफेक्शन। तो जो मुनि आए और मुनि के साथ में मरीचि अपने पिता ब्रह्मा को देखते हैं कि उनका पिता किस नीचता पर उतर आया है ना,
दिस इज सच ए थिंग विच हैज नेवर बीन डन बाई दोज बिफोर यू और आफ्टर यू. मतलब आज तक इस तरह का जो नीच कर्म है वो आज तक किसी ने नहीं किया है, पहले भी किसी ने नहीं किया था, आगे भी कोई नहीं करेगा, और आप इस तरह का नीच कर्म करने पर तुले हुए हो. बींग द लॉर्ड शुड सेक्सुअली अप्रोच योर डॉटर नॉट रिस्ट्रेनिंग योर पैशन. मतलब आप इतने बड़े देवता भगवान होने के बाद आप सेक्सुअली अप्रोच कर रहे हो अपनी खुद की बेटी के पास में, है ना, खुद की बेटी के साथ में सेक्सुअली अप्रोच कर रहे हो उसको, और अपने पैशन को, अपने इस तरह के ये इतने खराब पैशन को आप रोक नहीं पा रहे हो. दिस ओ प्रिसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए लॉडेबल डीड इवन इन ग्लोरियस पर्सनेजेस थ्रू इमिटेशन ऑफ हुज एक्शंस मैन अटेंड फेलिसिटी. मतलब ब्रह्मा को समझाया जा रहा है, उसके कई ऋषि मुनियों और उसके जो पुत्र हैं उसके द्वारा ब्रह्मा को समझाया जा रहा है कि आप इतने महान होकर भी इतनी मतलब खराब चीज कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है. और फिर आगे विष्णु के लिए भी प्रेरित की जाती है कि विष्णु तुम ही इस संसार के पालन करता हो, तो तुमको चाहिए कि इस संसार के अंदर राइचियसनेस धर्म की स्थापना हो, है ना, और इतनी ये खराब इतनी गंदी चीज ना हो. इसलिए विष्णु को भी मतलब एक तरह से अब बोला जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि इस खराब चीज को होने से रोको. सीइंग हिज सन्स द प्रजापति दस स्पीकिंग बिफोर हिम द लॉर्ड ऑफ प्रजापति ब्रह्मवार अशेम्ड एंड अबैंडन्ड हिज बॉडी दिस ड्रीटफुल बॉडी द रीजंस रिसीव्ड एंड. मतलब अपने पुत्रों को देखने के बाद में जो ब्रह्म है वो शर्म के मारे मर जाता है, एक तरह से शर्म के, बहुत ही शर्म आती है उसे, और वो अपनी देह त्याग कर देता है, अपनी बॉडी को अबैंडन कर देता है, अपनी देह त्याग कर देता है. और ये जो देह है, ये ड्रेडफुल बॉडी, इसके जो भी टुकड़े जहां भी गिरते हैं उनको, उन रीजंस को बोलते हैं फॉगी डार्कनेस. मतलब एक तरह से जहां भी ब्रह्मा की देह के शरीर के टुकड़े गिरते हैं उसको, उन रीजंस को बोलते हैं फॉगी डार्कनेस. द रिजल्ट ऑफ दिस डिग्रेडिंग एंड डिफेमेटरी अटैक्स ऑन ब्रह्मा वाज टू डैम हिम कंप्लीटली. नो वंडर दैट हिज कल्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ इंडिया हैविंग लिविंग हिम इन नॉमिनल एंड थ्योरेटिकल मेंबर विद त्रिमूर्ति. मतलब ये अटैक ब्रह्मा के होने के बाद में, इस स्टोरी के बाद में ऐसा हुआ कि जो ब्रह्मा है उसकी पूजा पाठ कंप्लीटली खत्म हो गई. और इंडिया के, इंडिया में तो मतलब कहीं उसकी पूजा पाठ सिर्फ एक ही पुष्कर में शायद ब्रह्मा का मंदिर है वहां पर होती होगी, बाकी सब जगह से ब्रह्मा की कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं होती, सब खत्म हो गया. और ब्रह्मा एक तरह से सिर्फ खत्म, ब्रह्मा का जो कल्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और सिर्फ ब्रह्मा एक नॉमिनल, एक थ्योरेटिकल मेंबर रहा त्रिमूर्ति का. मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश होता है तो विष्णु और महेश की तो अभी भी पूजा होती है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा की नहीं होती. उसका कारण यही है, यही कारण है उसका कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, जो ये डिस्क्राइब किया है कि उसने मेरी बेटी का, सरस्वती का बलात्कार किया था. सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा. क्या हम बताना चाह रहे हैं इस चीज की, इस वीडियो जो हमने बताया है इसकी अथॉरिटी ये हमने बता दी है बाबा साहब की बुक रिडल इन हिंदुइज्म की, जो अपेंडिक्स थर्ड है ना, त्रिमूर्ति वाला अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स थर्ड उसमें है. यहां पर बाबा साहब ने क्लियर कट लिखा है कि दे ब्रॉडकास्ट द स्टोरी ऑफ हिज हैविंग कमिटेड रेप ऑन हिज ओन डॉटर सरस्वती विच इज रिपीटेड इन द भागवत पुराण, है ना. और बाबा साहब ने भागवत पुराण को कोट किया है, भागवत पुराण में ऐसा मेंशन है, और उसकी अथॉरिटी मुइर संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 4 पेज नंबर 47 मुइर, जो कि जिसकी काफी संस्कृत बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, जिसने संस्कृत में जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एक तरह से, उसकी अथॉरिटी वहां से बाबा साहब ने कोट किया है. यहाँ क्लियरली अथॉरिटी मेंशन है, आप देख सकते हैं 7 मीर संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 4 पेज नंबर 47. यहाँ पर साफ क्लियरली मेंशन किया है कि जो ब्रह्मा है उसने अपनी पुत्री, अपनी बेटी सरस्वती का रेप किया था. ये बात इस अथॉरिटी से, भगवत पुराण से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसकी अथॉरिटी बाबा साहब ने क्लियर कट दी है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को आपको जो कॉन्सेप्ट है इसकी अथॉरिटी है, बाबा साहब ने क्या बोला है इस बारे में, और बाबा साहब ने किस टेक्स्ट भगवत पुराण को कोट किया है और उसकी अथॉरिटी ये दी है बाबा साहब ने, 7 मीर संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 4 पेज 47, ये तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. और समझ में आ गया होगा कि जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें कितना कचरा भरा हुआ है, कितनी इमोरिटी, नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है. मतलब एक भगवान का दर्जा जिसको मिला हुआ है ब्रह्मा, वो भी इस तरह का एक नीच कर्म कर सकता है, तो आप सोचिए उस धर्म की क्या, मतलब क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी, क्या विश्वसनीयता है. जब उस धर्म का भगवान अगर इस तरह का कर्म कर रहा है तो नॉर्मल लोगों से क्या अपेक्षा की जाए, उस धर्म के जस्ट मानने वाले लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है. सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो फैक्ट समझाना चाह रहे हैं समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, थॉट्स
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।